नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सैन्य सम्मान के साथ दी गई जवान को अंतिम सलामी। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित कस्बा एटोरा निवासी हवलदार धीरेन्द्र सिंह की नखलऊ में आर्मी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार को मौत हो गई। रविवार को सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र आदित्य ने मुखाग्नि दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़। इस दौरान हर ओर भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा धीरेन्द्र तेरा नाम रहेगा के नारे गूंजते हुए दिखाई दे रहे थे। और देखिए किस प्रकार नारे गूंज रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार सैन्य सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। बयालीस वर्षीय धीरेन्द्र सिंह पुत्र सौदान सिंह निवासी इटौरा थाना मलपरा 16 मार्च 2000 को सेना में असम रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। सूबेदार निवास चंद घोष ने बताया है कि हमारे साथ हवलदार धीरेन्द्र सिंह ने पिछले 23 साल से देश सेवा कर रहा था। हवलदार धीरेन्द्र सिंह के छोटे भाई श्याम बगौर ने बताया है कि वर्तमान में वह नखलऊ में तैनात थे और एक महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी। उनके आर्मी के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था जहां शनिवार देर रात उनकी मौत हो गई। धीरेन्द्र सिंह की पत्नी हेमलता देवी और बड़ा बेटा आदित्य, पुत्री तनु कुमारी और छोटा बेटा अर्पित ने बताया है कि उन्हें अपने पिता और पति पर गर्व है। बेटे ने कहा कि वह भी अपने पिता की तरह देश सेवा करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि 6 पैरा स्पेशल फोर्स के नायब सूबेदार आदित्य के नेतृत्व में 16 जवानों ने हवलदार धीरेन्द्र सिंह को अंतिम सलामी दी। और देखिए सैन्य सम्मान के साथ किस प्रकार जवान का अंत्येष्टि की जा रही है और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्रामीण इटौरा से। और आपको बता दें हजारों नम आँखों ने उन्हें अंतिम विदाई दी है और उनके दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। और आप देख रहे हैं किस प्रकार उनके पिता को तिरंगा झंडा दिया जा रहा है और उनसे देखिए किस प्रकार उनके बेटे आदित्य और उनके पिता को तिरंगा झंडा दिया गया है। तो जानते हैं उनके परिवार के लोगों से क्या कुछ कहना है और वहीं जानते हैं सेना के जवानों से क्या धीरेन्द्र सिंह को लेकर क्या उनके देखिए किस प्रकार धीरेन्द्र सिंह ने देश सेवा की थी। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। देखिए किस प्रकार सभी लोगों में जोश है और जब तक सूरज चांद रहेगा धीरेन्द्र तेरा नाम रहेगा के साथ साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार भारत माता की जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो जानते हैं यहां सभी अधिकारियों और परिवार के लोगों से क्या कुछ कहना है। आपके बेटे, अपने बेटे, हम सब के बेटे, हम सब के भाई, हम सब के जवान धीरेन्द्र सिंह को लेकर। आज आपके पिताजी जो शहीद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे उन पर बहुत गर्व है, मैं भी उनकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूं। और कितने भाई बहन हैं? 3, 2 भाई 1 बहन। मैं भी आर्मी में ज्वाइन करना चाहता हूं। आज हमारे बीच के एक साथी हवलदार वीरेंद्र कुमार का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके पार्थिव शरीर को लेकर हम 6 पैरा के एक जवान, एक जेसी और 16 जवान आए थे और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, सलामी दी गई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस दुखद घड़ी से निपटने के लिए शक्ति प्रदान करें। नायन असम रेजिमेंट में वो एम्प्लॉय था, वो जो बहुत ईमानदारी से देश के लिए काम किया है और अभी सेना हमेशा उसके साथ रहेगा, हमारा यूनिट हमेशा धीरेन्द्र के साथ रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर हम उसको सॉल्व करने के लिए साथ खड़ा है परिवार के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मेरा बड़ा भाई जो आज शहीद हो गया उसका नाम धीरेन्द्र सिंह, गाँव इटौरा पोस्ट ककुआ जिला आगरा से है। आज उसको 23 साल हो गए सेना में भर्ती हुए, आज वो शहीद हो चुका है। उसके बड़ा बेटा जो है आदित्य, वो आज उसको मुखाग्नि दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई के लिए? मुझे अपने भाई के लिए बहुत बड़ा गर्व है। मैं भी चाहूंगा कि मेरा भतीजा वो भी आर्मी ज्वाइन करे।
भारत माता की जय। राजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा में आज सेना में हवलदार धीरेन्द्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई है। जी हाँ दोस्तों, धीरेन्द्र सिंह 16 मार्च 2000 में सेना में 9 असम रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और लगातार उन्होंने 23 साल तक देश की सेवा की। आज आकस्मिक उनकी मौत हो गई है, जिसके चलते देखिए आप मेरे पीछे की जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें उसकी अंतिम यात्रा निकाली गई है और आज उनको सेना के द्वारा अंतिम सलामी दी गई है और इसी बीच उनके बड़े बेटे आदित्य द्वारा उन्हें मुखाग्नि भी दी गई है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।